what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn. Welcome back to my channel. This is me, Ishani. आज का vlog बहुत ही special होने वाला है because मैं बहुत time बाद ना travel कर रही हूँ. It's been almost, you can say, 8 to 9 months मैं कहीं गई नहीं हूँ. मैं actually करतारपुर गई थी. I went with my parents. अब मैं जा रही हूँ अपने husband के साथ. We are going to Jaipur finally. Yay! It's been long कि मैं रमन के साथ मैंने कहीं travel करा है. So we thought of, you know, having an impromptu trip plan. ये trip plan नहीं था. It just came out of the box. हमने बिल्कुल on the spot plan बनाया. So we are going to Jaipur and we're gonna have some fun. It's a kind of a staycation, kind of a vacation. दो दिन का ही हमारा ट्रिप है. आज फ्राइडे है. विल बी बैक बाय संडे. चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत. लेट्स बिगिन टुडेज़ व्लॉग. चलिए चलें. सो गाइस, अब हम हो चुके हैं फाइनली रेडी एंड रमन इज गेटिंग रेडी. आई एम रेडी. दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे. आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक टी शर्ट लॉन्ग विद दिस ट्रैक पैंट्स एंड आई एम वेयरिंग दीज शूज विच आई डिड नॉट गेट इट एक्चुअली. You know, it was gifted to me. Raman ne mujhe gift kiya tha. And I'm wearing these awesome shades, jo ki aajkal fashion mein hai. I got them from online. Maine Meesho se order kare the. And everything is all ready. Packing ho chuki hai. Ghar pura samet diya hai. Everything is all sorted. We are finally about to leave. Thoda sa, you know, bahar se kuch saman, thoda snacks wagera, you know, pack kar lenge. Raste ke liye chips wagera le lenge. Hame na pata nahi aajkal na ye eyes bahut zyada suji hui hai. You know, it looks very small. ये वाली बड़ी लगती है और ये बिल्कुल छोटी लगती है. तो मुझे ना इसको ऐसे करके देखना पड़ता है. तो मैं पूरा टाइम आज शेड्स ही पहन कर रखूँगी. डू लाइक मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ दी शेड्स आर लुकिंग. अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं बता देना यार. अच्छे नहीं भी लग रहे तभी बता देना. तो नॉर्मली यू नो पीपल वेयर दीज लाइक दीज लोग ऐसे पहनते हैं जस्ट फॉर फैशन. तो हम भी यार थोड़ा यू नो ट्रेंडी बनने की कोशिश करेंगे. सो विल सी यू इन अ बिट. थोड़ी देर में मिलते हैं. अभी हम बस अपना गाड़ी में सामान रखने जा रहे हैं. अभी टाइम हुआ है 11:10. सामान रख के थोड़ी देर में निकलेंगे. तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में. Hi guys, so we have finally left for the day and we are finally on the way to my favorite place which is called Jaipur the Pink City. It's been long. I have been to Jaipur बहुत time हो गया था guys. I think मैं last 2020 में गई थी जब first wave आया था. उस time पे बीच में एक time आया था जब कोविड के केसेस थोड़े से कम हो गए थे. हम उस टाइम पे गए थे. इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 3 to 4 years. आई हैव बिन टू जयपुर. 3 years हो गए हैं. सो वी थॉट ऑफ गोइंग एंड सेलिब्रेटिंग यू नो गोइंग फॉर अ स्टेकेशन. तो अभी हम ऑन द वे हैं. रमन थोड़ा खाने पीने का सामान लेने गया. आई एम इन द कार. आई एम इन्जॉइंग द एसी की ठंडी ठंडी हवा. बाहर बहुत गर्मी है गाय. आप देख सकते हो बाहर कितनी धूप है. अभी हम जाएंगे थ्रू मुंबई एक्सप्रेस वे. मेरे बिल्कुल घर के बाहर. आई स्टे ऑन द सोना रोड साइड. तो बिल्कुल सोना रोड के बाहर ही मुंबई एक्सप्रेस वे पड़ता है. इट्स ब्यूटिफुल. द राइड इज जस्ट अमेजिंग. अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग थ्रू मुंबई एक्सप्रेस वे. अदरवाइज हम नॉर्मल कोई और रूट लेते हैं. तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर. किचन जहाँ से मैंने ये कड़ी एंड राइस लिए हैं. कड़ी चावल लिए हैं एंड वन फैंटा. सो ये हमारा आज का जुगाड़ है. सो
जस्ट अ डिस्क्लेमर, अगर आप मुंबई एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो घर से कुछ ना कुछ खाने का जरूर कैरी, लाइक स्नैकिंग काइंड ऑफ अ थिंग कुछ कैरी जरूर, क्योंकि रस्ते में कोई भी ढाबा नहीं है। सो गाइज वी आर फाइनली डन विद आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे। हम लोग ना बहुत देर से, हम एक्चुअली घर से निकले भी ऑलमोस्ट एक घंटे से ज़्यादा हो गया है, एंड वी वर फीलिंग वेरी वेरी हंग्री। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, आई जस्ट हैड वन कप ऑफ टी एंड वन लेमन वाटर विच आई जनरली ड्रिंक इन द मॉर्निंग। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, मी एंड रमन वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड समथिंग टू ईट। फॉर्चुनेटली रस्ते में हमें एक ईटिंग जॉइंट मिल गया जहाँ पे यू नो कार्ट्स बनी हुई थी, एंड वहाँ पे द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड द मोस्ट पैथेटिक थिंग वॉज कि उसमें सिर्फ एक ही कार्ट चल रहा था जहाँ पे आपको कप नूडल्स एंड कड़ी चावल। सो आई बॉट वन प्लेट ऑफ कड़ी चावल विच वॉज अ वेरी लेस पोर्शन, वेरी लेस क्वान्टिटी, एंड वॉज वर्थ 200 रुपीज। नॉट वर्थ द प्राइस, नॉट वर्थ द टेस्ट, बट ठीक है, भूख लगी थी, कुछ ना कुछ खाना ही था। सो माई सजेशन टू यू गाइज वुड बी, अभी मुंबई एक्सप्रेस वे अभी रिसेंटली खुला है, अभी नया नया बन रहा है, सो इफ़ यू आर कमिंग, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू राजस्थान, सो प्लीज़ डू कैरी समथिंग टू ईट। अगर आप मुंबई एक्सप्रेस से जा रहे हैं तो रस्ते में कुछ खाना पीना जरूर कैरी कीजिए, बिकॉज यहाँ पे अभी एज पर माई इन्फॉर्मेशन ढाबे नहीं है। हो सकता है आगे हों, मतलब एक डेढ़ घंटे की ड्राइव पे तो नहीं मिले मुझे अब तक ढाबे, हो सकता है इन फ्यूचर आगे जाके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाए, फूड कार्ट्स खुल जाएँ, यू नो यू कैन से फूड कोर्ट खुल जाएँ, अच्छे अच्छे फूड कार्ट्स खुल जाएँ। सॉरी, हमें रस्ते में डोमिनोज दिखा था, सो वी थॉट ऑफ ऑर्डरिंग वन पिज्ज़ा, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था। सो नो वरीज, अभी हम आगे जाएंगे, अभी हमने छोटा मोटा यहाँ से छोटे मोटे चिप्स वगैरह कैरी कर लिए हैं, सो वी गोना ईट दैट। हमने गलती कर दी कि हम दिल्ली से कुछ खाने को लेके नहीं आए, अगर हम वो लेके आए होते तो शायद हमें इतनी भूख ना लग रही होती। सो अभी टाइम हो रहा है, अभी एक बज गया है दोपहर के, एंड वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड अराउंड, एक घंटे का रास्ता हमने कवर कर लिया है, अभी भी 2 घंटे रास्ता बाकी है। सो गाइस फाइनली वी हैव फाउंड अ ढाबा जहाँ पे हमें चाय पीने को मिल गई है, एंड हमने थोड़ा बहुत खाने का सामान भी ऑर्डर करा बिकॉज वी आर फीलिंग वेरी हंग्री। जो पीछे वाला ढाबा था वहाँ पे कुछ खास खाने का हमें मिला नहीं, सो रमन लेट्स डू सम चीयर्स, चीयर्स करते हैं। सो फाइनली हमें चाय पीने को मिल गई है और हम चाय पी रहे हैं। त्रिपत, मेरी आत्मा त्रिपत हो गई है, मेरी आत्मा ना त्रिपत हो गई है, सुबह से मैं चाय पीने के लिए तरस रही थी, एंड फाइनली आई गॉट ढाबे की चाय, और जो कि मैंने थोड़ी सी गिरा भी थी एक्साइटमेंट में, बट आई एम वेरी हैप्पी फाइनली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हमें एक ढाबा तो मिला गाइस। बट जैसा सजेशन, अभी मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है तो अगर आप इस रूट से ट्रैवल करो तो कुछ खाने के लिए ज़रूर कैरी कीजिए, वरना आप हमारी तरह भूखे ना मर जाएं। सो गाइस हम ना जयपुर के ट्रैफिक में फंस गए हैं, जो कि सामने है एक दुश्मन कचौड़ी वाला और अचानक लस्सी भंडार, यहाँ पे हर चीज़ अचानक और दुश्मनी से होती है। सो होपफुली हमारा जयपुर का ट्रिप अच्छा रहे, अभी हम इसे कवर करेंगे कुछ टाइम बाद। जल महल आने वाला है, जल महल भी आने वाला है, जो आधा महल जल में डूबा हुआ है, एंड वहाँ जाना अलाउड नहीं है गाइस। मैं हर चीज़ कवर करूँगी, आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, बट ये ट्रिप में हम आमेर फोर्ट नहीं जाएंगे, हम आसपास। गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड द ट्राइडेंट होटल इन जयपुर, एंड अभी हम बस एंटर कर रहे हैं, एंड वी विल पार्किंग द कार एंड देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स चेक इन रिसेप्शन एरिया। द प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस, मैं दिल्ली वाला ट्राइडेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर मैं गई हूँ, अभी रुकी भी हूँ, तो दिस इज जयपुर वाले में फर्स्ट टाइम, जयपुर वाले में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, आगरा वाले में मैं रुकी थी लास्ट ईयर, सो दिस इज द एंट्री। दिस इज द आई थिंक द वेटिंग एरिया, एंड यहाँ पे बार सेक्शन भी है, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट सम ड्रिंक्स। दैट्स द होटल लॉबी, सो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द रिसेप्शन एरिया। सो गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड द ट्राइडेंट एंड वी आर जस्ट सिटिंग इन द लॉबी एरिया एंड वी जस्ट वेटिंग फॉर आर रूम कीज, अभी हमने बस चेक इन अभी करा है। द होटल इज जस्ट फैबुलस, आई हैव बीन टू एज आई टोल्ड यू द आगरा वन एंड दिल्ली वन, तो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आगरा वाला का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा है, एंड दिल्ली वाला तो ऑब्वियसली यू माइट हैव सीन विच इज़ इन गुड़गांव। सो अभी के लिए प्रॉपर्टी का मैं पूरा व्यू आपको दिखाऊंगी, अभी हम बस रूम में चेक इन करने जा रहे हैं, आपको रूम टूर दिखाऊंगी, एंड देन लेट्स सी हाउ द डे गोज़। आई माइट पुट एन एंड टू टुडेज़ व्लॉग, एंड थोड़ा यू नो होटल
टूर करके हम शायद इस ब्लॉग को एंड कर दें। सो लेट्स सी, अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं करी, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइज, आई एम एंटरिंग टूवर्ड्स द स्विमिंग पूल एरिया एंड दिस इज़ द मेन इनका एक्चुअली ये वेटिंग एरिया तो नहीं कह सकते, बट समथिंग लाइक अ चिल्ड आउट प्लेस। सो दिस इज हाउ इट इज़। अब यहाँ बैठ के सुबह ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। दिस कैन बी यू, आई थिंक यहाँ पे शायद डाइनिंग एरिया होता होगा, मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊँगी। सो दिस इज़ अ स्विमिंग पूल एरिया विच लुक्स गुड। दे ऑल्सो हैव शैक्स वेयर यू कैन जस्ट सिट। दिस इज स्विमिंग पूल एरिया, दिस इज द होटल। प्रॉपर्टी इज नाइस, लुक्स गुड। आज बाहर बहुत गर्मी है गाइस, सो होपफुली द वेदर शुड बी गुड। आई ऑल्सो फाउंड अ न्यू फ्रेंड, अ बर्ड। हेलो बर्ड, विच इज सो ब्यूटिफुल। ये देखिए, सो प्रिटी। हेलो बर्ड। Anyways, I'll take you towards the swimming area. नहीं, मैं YouTube के लिए शूट कर रही हूँ। ये स्विमिंग एरिया है, आप पोल्ट्री बनाते हैं ये, आप यहाँ पे पोल्ट्री भी कर सकते हैं। दिस इज अ प्लेस, अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे। ये स्विमिंग एरिया है, आई थिंक दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन डू स्विमिंग। प्रॉपर्टी इज़ नाइस, दे ऑल्सो हैव दीज नेट कवर्स ताकि यू नो ऊपर से कुछ गिरे ना। सो ओवरऑल आई वुड गिव इट लाइक 5 out of 5। जहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सर्व होता है, ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7 to 10:30। सो नॉर्मली हम लोग तो 9 बजे ही पहुँचेंगे, विच इज़ गोना बी एक्सट्रीमली बिजी। दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया। सो गाइज, ये है हमारा छोटा सा कोजी सा रूम, बेड्स बहुत छोटे हैं, सो क्वीन साइज बेड हैं। सो रमन, आपका क्या कहना है व्लॉग में? ही लाइक्स ट्राइडेंट प्रॉपर्टीज लॉट। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन आयरन योर क्लोथ्स, यू कैन हैंग, दे हैव अ लॉकर एज वेल, इट्स लाइक एन अलमीरा एक्चुअली, अ क्लोज़ेट वेयर यू कैन से। एंड दिस इज द बाथरूम एरिया, दे हैव गिवन अस अ नाइस कोजी सा टब वेयर you can take a bath. This is the washroom area. I like the room, the property seems nice. Thoda sa mujhe you know price ke accordingly thoda room chota laga, so we have told them to upgrade the room, at least the view, so hamara bilkul hi bahar dikha jaye, to garden view hai. I don't know, kaise nahi khulega, you won't be able to open it. So this is the garden area. सो गाइज, ये है हमारा छोटा सा खूबसूरत सा व्यू फ्रॉम आर रूम, दिस इज़ द गार्डन एरिया। गार्डन तो नहीं है ये, गार्डन काइंड ऑफ गार्डन ही है। सो इनके हमारा रूम 3rd floor पे है, राइट? इट्स ऑन द 4th floor एंड इनके 3rd floor पे जिम भी है, मैं आपको जिम थोड़ी देर में दिखाऊंगी, मोस्ट प्रॉब्ली कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज
सो गाइज दिस पुट्स मी टू द एंड ऑफ माई टूडेज व्लॉग. आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल था. हम लोग मुंबई एक्सप्रेस से एक्सप्लोर करा. रस्ते में ढाबे नहीं मिले, आगे जाके थोड़े से ढाबे हमें मिले थे. वी डिड फाइंड सम यू नो प्लेसेस टू ईट. हमें थोड़ा बहुत खाया पिया, इन्जॉय कर. रस्ते में गाने सुनते हुए आए, यू नो थोड़ा बहुत चिल मारते हुए आए. हमने सिद्धू मूसेवाला के गाने सुने, हमने शाहरुख खान के सॉन्ग सुने. शाहरुख खान की मूवी आ रही है ऑन 7th of September. सो वी आर जवान, वी आर यू नो मूवी का नाम जवान है. वी आर ईगली वेटिंग फॉर दैट मूवी टू अराइव. सो अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं. अगर आपको मेरा आज का छोटा सा क्यूट सा जयपुर का व्लॉग पसंद आया हो, सो प्लीज डू डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो. अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं. द टाइम इज 4:30. आप देख सकते हैं 4:30 हो गए हैं. सो आज का कुछ खास हमारा नहीं है स्केड्यूल. वी जस्ट गोना गो एंड यू नो गो टू द स्विमिंग पूल, यू नो डू सम स्विमिंग ओवर देयर. ज़्यादा चिल मारेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, रिलैक्स करेंगे. ज़्यादा कुछ करने को नहीं है. कल इट्स गोना बी अ वेरी इवेंटफुल डे. वी गोना एक्सप्लोर द जयपुर. हम लोग आमेर फोर्ट नहीं जा रहे हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. हम लोग आसपास घूमेंगे, लाउंज जाएंगे. यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कैफे है बाय द नेम ऑफ तपड़ी, जिसकी चाय बहुत फेमस होती है. बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ही चाय है उसकी. केसर चाय तो बहुत ही अच्छी है. सो हम जब भी जयपुर आते हैं वी जनरली विजिट तपड़ी एंड वी जनरली ईट ड्रिंक एंड यू नो चाय तो पीते ही पीते हैं वहाँ पे. वहाँ पे बहुत ही फेमस यू नो बहुत बहुत अच्छा खाना मिलता है. वहाँ की बहुत कुछ डेलिकेसीज हैं जो बहुत फेमस हैं. चलिए थोड़ा कल के व्लॉग के लिए रखते हैं इन्फॉर्मेशन. तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई सी अ लॉट ऑफ यू पीपल coming and you know watching my vlogs but not subscribing to my channel. So I would really you know request you all to please subscribe kar lo yaar. Acche se comments kar diya kara karo. Signing off from now. Ye Mata Rani paap degi. Guys just kidding, Mata Rani koi paap nahi degi. Aap bas mere channel ko subscribe kar lijiye. Isse mujhe bhi motivation milta hai to create more videos. Chaliye take care. Bye bye. I will see you again with a new video. Bye.